الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیو دوستو اور بزرگو سب سے پہلے تو چونکہ کل کا دن غالباً لاہور میں ہمارا آخری دن ہے اہل لاہور کی محبت کو سلام آپ کی محبت نے چاہت نے خلوص نے مجھے جس قدر عزت دی اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے بالخصوص ہمارے اس سفر کا جو اصل باعث بنے ہیں محترم بھائی شکیل صاحب محترم قاری مبشر صاحب اور خاص آج جو ہمارے لیے انہوں نے سہولتیں فراہم کی محترم بھائی محمد عمر صدیق صاحب اور آپ کی پوری انتظامیہ کمیٹی نوجوان ساتھی
मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कुछ मारूजात पेश करने का मौका फराहम किया। और ये तमन्ना और आरजू है, मैं लोग जो जलसों की कामयाबी समझते हैं, मेरी सोच उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। लोग जलसों की कामयाबी इसे कहते हैं ता हद निगाह मजमा हो, लोग ही लोग हों और जितने मौलवियों का नाम इश्तिहार में दिया है वो सारे आए हुए हों, और तीसरी चीज के चावल कम ना पड़े, जितने लोग आए हैं चावल पूरे हो जाएं, बच जाएं कम ना। तो कहते हैं जलसा बड़ा कामयाब था, भजमा भी बड़ा था, देगू की भी कमी नहीं थी, मौलवी भी सारे आ गए। मैं इसे कामयाबी नहीं कहता, मैं ये कहता हूं भले सुनने वाले 10 बंदे हों, कामयाब जलसा वो है कि आपने जो दावत दी है, चावलों की दावत नहीं, दीन की दावत, ये जो आपने दावत दी है उन 10 बंदों में से 2 बंदों की भी समझ में वो बात बैठ गई, आपका जलसा कामयाब है। और हमेशा यही कोशिश किया करें। खतीब को भी चाहिए कि बात इस अंदाज में करें जो लोग उसको समझें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अरबी दानी थी, आप इतने बड़े अरबी दान थे कि जो कुफार के बड़े बड़े नसर निगार शोआरा अदीब जब किसी लफ्ज में अटक जाते तो फैसला रसूलुल्लाह सल्लम से करते। लेकिन आप हदीस की किताब पढ़ के देखो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी के इतने बड़े अदीब होने के बावजूद आपने जुबान इतना सहल इस्तेमाल की है, इतना सहल कि उस जमाने में कोई ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, स्कूल नहीं थे, मदरसे नहीं थे, इसके बावजूद आपने इतनी सहल लैंग्वेज इस्तेमाल की कि ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले आपकी बात को समझ लेते। ये है असल मिशन दावत दीन का, और दाई के औसाफ में ये चीज सबसे पहले होनी चाहिए कि मैं बात इस अंदाज में करूं कि लोगों की समझ में आ जाए। देखिए, हर मस्जिद में आप जहां भी चले, कोई हाथ आपको सीने पे बांधता हुआ मिलेगा, कोई नाप पे बांधता हुआ मिलेगा, कोई नाप से नीचे भी बांधता हुआ मिलेगा, कोई छोड़े हुए मिलेगा, लेकिन आप उनसे पूछें कि तुम इस तरह क्यों नमाज पढ़ते, वो बोलेंगे कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसा करते। जो छोड़ के पढ़ रहा है उससे भी पूछो तो बोलेगा अल्लाह को राजी करने के। आप किसी बरेलवी से पूछो बोलेगा अल्लाह को राजी करने, देवबंदी से पूछो, अहले हदीस से पूछो, सब बोलेंगे अल्लाह को राजी करने। अब बरेलवी से पूछो आपने मस्जिद क्यों बनाई है, बोलेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए, ये कुछ सवाल है भला। आप देवबंदी से पूछो, शिया से पूछो, अहले हदीस से पूछो कि आपने ये मस्जिद क्यों बनाई है, बोलेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए। हम सब ने मस्जिद अल्लाह को राजी करने के लिए बनाई है, तो सब मस्जिदों में अल्लाह को राजी करने का तरीका अलग अलग क्यों है, ये एक सवाल। अब एक आदमी
हिंदू है, सिख है, यहूदी है, ईसाई है, वो मुसलमान होता है। मुसलमान होने के बाद वो किस तरीके से रब को राजी करे, शिया तरीके पर, बरेलवी तरीके पर, देवबंदी तरीके पर, या अहले हदीस तरीके पर, किस तरीके पर रब को राजी करे। मौलवियों ने तो दीन को इतना मुश्किल बना दिया, आम आदमी परेशान है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सवाने हयात में एक बात मिलती है कि एक मस्जिद में बैठे थे और वो कहते हैं मैं नमाज से फारिग होकर बैठा हुआ तो एक बंदा आया, उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह अकबर कहा और हाथ सीने पर बांधा, तो मैं देख के समझ गया कि ये अहले हदीस है। वो चला गया, थोड़ी देर बाद दूसरा आया, उसने अल्लाह अकबर कहा और पेट के ऊपर, नाफ के ऊपर हाथ बांध दिया। मैं समझ गया ये हनफी है। फिर वो कहते हैं कि एक और शख्स आया, उसने अल्लाह अकबर कहा और हाथ छोड़ दी, तो कहते हैं मैं समझ गया कि ये शिया है। फिर कहते हैं एक और शख्स आया, उसने अल्लाह अकबर कहा और हाथ की उंगलियां आपस में इस तरह फंसाई और यूं गर्दन में डाल। मैं सोचता रहा कि ऐसा मजहब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, और ये कौन सा फिरका है। जब वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो फरमाते हैं मैं उसके करीब गया, मैंने उसे कहा भाई सीने वालों को भी मैं जानता हूं, पेट वालों को भी जानता हूं, छोड़ने वालों को भी जानता हूं, ये गर्दन में हाथ डालने वाला मजहब मैंने पहली दफा देखा, ये कौन सा फिरका है। उसने कहा शाह साहब ये कोई फिरका नहीं है, ये मेरा तरीका है। मैंने कहा तेरा तरीका क्या मतलब। बोले पहले मैं हाथ सीने पर बांधता था, एक मस्जिद में गया, उसने कहा तौबा तौबा, तू तो कोई गैर मुकल्लद, बे इमामिया, बे पीरा, बे मुर्शिद है, तेरा तो ईमान ही नहीं है, इस तरह थोड़ी हाथ बांधते, हाथ पेट पे बांधते। मैंने बोले पेट पे बांधने शुरू कर दिए। फिर मैं एक दिन एक मस्जिद में गया, वो मुझे कहने लगे तौबा तौबा, तू तो अली का मुनकर है, तू तो अहले बैत का मुनकर है, तू फलाने का मुनकर है, इस तरह हाथ बांध के थोड़ी नमाज पढ़ते, हाथ छोड़ के पढ़ा कर। मैंने हाथ छोड़ के पढ़ने शुरू कर दिए। फिर बोले एक मस्जिद में गया, उन्होंने कहा तौबा तौबा, तू तो काफिर है, तू तो सहाबा का गुस्ताख है, तू तो फलाना है, डिमका है, हर तरह के फतवे लगाए। मैंने कहा तो मैं कहाँ बांधूँ। उन्होंने कहा वो गालिबन अहले हदीसों की मस्जिद होगी, उन्होंने कहा तो सीने पर बांधा था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सीने से तो चला था, सीने पे ही हाथ बांधता था, वो छुड़वाया पेट पे बंधवाया, वो छुड़वाया छुड़वा दिए, अब तू वापस मुझे सीने पर ला रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं जिस तरीके पर भी पढ़ता हूं दुनिया मुझे काफिर ही कहती है, तो मैं मुसलमान रहने के लिए मैंने ऐसा तरीका निकाला है, गर्दन में हाथ डालता हूं, इस मसलक का किसी को पता ही नहीं, ना किसी को पता चलता है, ना कोई मुझे काफिर कहता है। तो मैं लोगों के फतवे से बचने के लिए मैंने एक अपना तरीका निकाला। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उलमा ने दीन को इतना मुश्किल बना दिया कि अब लोग असल दीन से राह फरार इख्तियार करके उनके फतवों की जद से बचने के लिए अपने लिए एक नई राह की तलाश में। मेरी उलमा से भी दरखास्त है अवाम उन्नास पे जुल्म ना करें, जुल्म ना करें, उन पे फतवे ना लगाएं, उनकी इसलाह फरमाएं, उनकी जहन साजी फरमाएं,
इसलाह फरमाए। और फिर हम जब ये सारे मस्जिदें जितनों ने भी बनाई हैं अल्लाह के लिए बनाई हैं, तो मैंने एक सवाल उठाया था कि हमारा तरीका अलग अलग क्यों है। ये बुनियादी नुकता। अब हर बंदा यही कहता है मियां जिस तरीके की पढ़ लो, जहां चाहे पढ़ लो। ये एक आम पब्लिक का ये एक जहन है, जहां पढ़ लो, जिसके पीछे पढ़ लो, जैसी चाहो पढ़ लो। अल्लाह की नमाज पढ़नी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हर तरीका ठीक है। और कुछ जाहिल ये कह देते हैं मियां अल्लाह के रसूल ने हर तरीके की पढ़ी है, हर तरीके की पढ़ी, कोई तरीका गलत नहीं है, जैसे दिल चाहे आप पढ़। ऐसा है। और दूसरी बात कि ऐसा भी नहीं है आप जिस तरीके का अमल आप कर लें अल्लाह ताला उसे फौरन कबूल कर लें, ऐसा नहीं। उसकी कबूलियत की अल्लाह ताला की कुछ शरायत है, उन शरायत पे आपका अमल पूरा उतरेगा तो वो कबूल करेगा, इसके अलावा वो कबूल नहीं करेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हाबील और एक काबील। ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और दोनों सगे भाई। दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी की, दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी की और देग पका के उस वक्त के तरीके के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक देग पका के रख दी। अब वो जो देग पका के रखी, आसमान से उन दिनों बिजली गिरा करती थी। ये भी अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत पर कितना बड़ा एहसान किया कि हम देग पकाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, जाया नहीं जाती चीज़ और सवाब हमें मिलता है। वो चीज़ जाया हो जाती थी, आसमान से बिजली आती और देग में घुस के उसको चाट जाती, उसको चाट जाती, और जिसकी देग चाट जाती वो समझता मेरी जो कुर्बानी है, मेरा सदका, मेरी खैरात, ये कबूल हो गई। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने कुर्बानी की, दोनों ने देग पका के रखी। हो सकता है उनका बावर्ची भी एक, हो सकता है उसमें मिसालें भी एक जैसे, और दोनों ने अल्लाह के लिए की, किसी एक ने भी गैर अल्लाह के लिए नहीं की, दोनों ने अल्लाह के लिए। लेकिन एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे भाई की ना हुई। कुर्बानी करने वाले सगे भाई हैं दोनों, देवबंदी, बरेलवी, शिया, वहाबी कोई नहीं है, सगे भाई हैं, एक ही मसलक के, एक ही बाप के, और दोनों ने एक ही नियत से अल्लाह के लिए कुर्बानी की। एक की कबूल हुई है और दूसरे की कबूल नहीं हुई। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया गया कि ये एक की कुर्बानी कबूल है और दूसरे की कबूल नहीं, तो अल्लाह कुरान में उसका जवाब देता है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला हर ऐरे गैरे नथु खैरे की कुर्बानियां कबूल नहीं करता, सिर्फ तकवे वाले की कुर्बानी कबूल करता है। तो गोया जितने लोग नमाजें पढ़ रहे हैं ये तरीका कि जहां चाहो, जैसे चाहो, जिसके पीछे चाहो और जिस तरह चाहो पढ़ लो, कबूल करने वाला वो है कर लेगा, ये नुक्ता नजर 100% गलत है। हर किसी की नमाज कबूल नहीं होती। अब ये दूसरा सवाल कि फिर किसकी होती, हर किसी की नहीं होती तो फिर किसकी होती। अब अहले हदीसों के आलम से पूछोगे वो बोलेगा हमारी कबूल होती, देवबंदी के आलम से पूछोगे वो बोलेगा भाई देवबंदी जो तरीका इख्तियार करते हैं ये है असल तरीका, इस तरीके पर कबूल होती। बरेलियों से पूछो बोलेगा बिल्कुल 100% गलत, आज हजरत ने जो तरीका बताया
वो तरीका असल कबूलियत वाला है। ही उसे पूछो वो बोलेगा इमाम जाफर सादिक ने हमें जो सिखलाया वो तरीका असल तरीका है। नया आदमी परेशान है, माने तो किसकी, छोड़े तो किसकी, अपनाए तो किसकी, रद्द करे तो किसकी, नया आदमी परेशान। अब सवाल यह है, इस पढ़े लिखे शहर में, लाहौर माशाल्लाह कराची की तरह पढ़ा लिखा कहलाता है, इस पढ़े लिखे शहर में कभी किसी के जहन में ये बात क्यों नहीं आती कि जिस रब को राजी करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, सीने पर हाथ बांधकर, पेट पर हाथ बांधकर, छोड़कर, रफुलदेन करके, ना करके, आमीन ऊंची कहकर, दिल में कहकर, इमाम के पीछे फातिहा पढ़कर, ना पढ़कर, आठ तरावियां पढ़कर, ना बीस तरावियां पढ़कर, हम जिस रब को राजी करने की कोशिश करते हैं, कभी उस रब से भी पूछा कि तू किस तरह राजी होता है? फैसला तो इस पर होगा ना, फैसला तो इस पर होगा कि जिस रब को राजी करने के लिए आप नमाज पढ़ रहे हो, उस रब से भी तो पूछो ना कि तू कैसे राजी हो। मैं तो बोलूंगा हमारा तरीका, वो बोलेगा हमारा तरीका, उस मस्जिद वाले बोलेंगे हमारा तरीका। आप सारे तरीके छोड़ दें, अहले हदीसों का भी छोड़ दें, दूसरों का भी छोड़ दें, लेकिन उस रब से तो पूछे ना। चलो अब तक नहीं पूछा, आज पूछे। फरमाया कुल लिल कुल तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं नया नया मुसलमान हुआ, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे तरीका नहीं आता, मुझे तुझे राजी करने के आदाब मुझे नहीं नाते, मैं कैसे तेरे आगे झुकूं, तुझे कैसे मनाऊं, कैसे गिड़गिड़ाऊं, कैसे दस्ते सवाल उठाऊं, नदामत के अश्क कैसे बहाऊं, अल्लाह मुझे कुछ मालूम नहीं, तू मुझे बता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ऐ दुनिया वालो, अगर तुम वाकई मुझे राजी करना चाहते हो अपने क़याम से, अपने रुकू से, अपने सजदों से, अपने जिक्र अज़कार से, अपनी कुर्बानियों से, अपने हज से, अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे राजी होने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते चले आओ, मैं रब तुमसे राजी होता चला जाऊंगा। मेरे मुहम्मद की पैरवी करो, मेरी नाराजगी तुमसे खत्म हो जाएगी। इलाहुल आलमीन, हम तो मतलबी लोग हैं, अगर तेरे पैगंबर की पैरवी करने से हमारी तुझसे दोस्ती हो भी गई, तुझसे हमारी यारी बन गई, तेरी यारी का हमें क्या फायदा होगा, तेरी दोस्ती का हमें क्या फायदा होगा। हम दुनिया में देखते हैं बच्चे की शादी के मौके पर दुख सुख में, बीमारी में, खुशी में, गमी में दोस्त काम आ जाते हैं। ऐ अल्लाह, अगर हमने तेरे मोहम्मद अरबी, तेरे रसूल, तेरे पैगंबर की पैरवी हमने की और उससे तुझसे हमारा ताल्लुक और दोस्ती जुड़ गई तो हमें बता तेरी दोस्ती का हमें क्या फायदा होगा। अल्लाह कहता है या उफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मेरी दोस्ती का तुम्हें ये फायदा होगा, मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी सियाकारियां अपने फजल से माफ फरमा दूंगा।
يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تو پکار پکار کے کہتا ہے اے میرے بندے میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو سہی. کیوں گلہ کرتا ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں, رب العالمین میری سنتا نہیں, میری مانتا نہیں, میرا گلہ کیوں کرتا ہے؟ ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو سہی, اپنی طلب کا دامن پھیلا تو سہی, اپنا دست سوال میرے آگے اٹھا تو سہی, اپنا دکھڑا مجھے سنا تو سہی, ندامت کے دو اشک میرے آگے گرا تو سہی, میرے لطف و کرم کو آزما تو سہی. اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب تمہیں کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو تمہاری پکار کو تمہاری فریاد کو قبول کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ, میں تیرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھنے کو تیار ہوں, لیکن آ تو سہی. ایک بوڑھا اللہ کی رحمت ایک مرتبہ بھی اپنے در پہ آنے والے کو تانا نہیں دیتی. آپ سگے بھائیوں کو دیکھ لیجئے, آپ کا بھائی اگر آپ کو اپنے بیٹے کی شادی پہ بلائے آپ نہ جائیں, آپ سے مرنا جینا واسطہ سب ختم کر دیتا ہے. لیکن آپ نے کبھی غور کیا, ہر مسجد میں ایک مؤذن کے ذریعے پانچ مرتبہ رب العالمین آپ کو دعوت نامہ بھیجتا ہے, آپ نہیں آتے پھر بھیجتا ہے, آپ نہیں آتے پھر بھیجتا ہے. سگے بھائی بھی دوبارہ دوسرے بیٹے کی شادی پر دعوت نامہ نہیں بھیجتے اگر آپ پہلے بیٹے کی شادی پر نہ جائیں. لوگ منانے جاتے ہیں, پنجاب کے کلچر کے مطابق لوگ اپنی پگڑیاں اتار کے بڑے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں, وہ سنگ دل بھائی ٹھڈا مار کے پگڑی کو اچھال دیتا ہے لیکن راضی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میرے بندے کتنا فرق ہے دنیا کی محبت میں اللہ رب العالمین کی شفقت میں. ایسا بوڑھا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا, منہ سفید ہو گئے, زبان سے گویائی جاتی رہی, کانوں سے سنوائی جاتی رہی, آنکھوں سے بینائی جاتی رہی, جیب بھی خالی ہو گئی, بیماریوں نے گھیر لیا, دمے کا مریض ہے, ساری ساری رات کھانستے گزر جاتی ہے. ایک وفادار بیوی تھی, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب جو گھر کے اندر جو بیٹے موجود ہیں ان کو ان کی بیویاں سکھاتی ہیں, تیرا بڈھا باپ ساری رات کھانستا ہے, نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے, اس کو گھر سے باہر نکال یا ہمیں گھر سے باہر نکال, ہم اس بڈھے باپ کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی. وہ ناخلف اولاد بیویوں کے کہنے پر رات کے وقت اپنے بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتا ہے, گرتا پڑتا دیواریں پکڑتا, اپنی گلی میں چلتے چلتے شہر کے سارے دروازے بند دیکھتا ہے, ایک اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس میں گھس جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی جناب میں ایک آواز لگاتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا, اے بے قصوں کی فریاد سننے والا یہ لٹا پٹا بوڑھا آج تیری جناب میں 80 سال بعد آیا ہے. 80 سال بعد
अल्लाह की रहमत एक मर्तबा भी उसे ताना नहीं देती। सारी जवानी तूने गुनाहों की दलदल में गुजार दी और आज तू आज जब कुछ करने के काबिल नहीं रहा, बेटू ने तुझे धक्के देकर निकाल दिया, आज तू अल्लाह की दरबार में आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस से कुदसी है, जब वो बूढ़ा अल्लाह की जनाब में आंसू गिराकर हाथ उठाता है, अल्लाह कहता है मुझे हया आती है कि मैं इस बूढ़े के हाथों को खाली लौटा दूं। आप उसका दर छोड़ के बैठे हैं, यह है असल समझने की बात। रब राजी कैसे हो, हमें वो राजी करने का तरीका भी तो आए ना। रब मानने को तैयार है, हमारे पास मनाने का सलीका ही नहीं, मनाने का तरीका ही नहीं। अल्लाह को मनाओ उस तरीके पर जो गुर रसूलुल्लाह ने बताए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुर आप सीखिए। अब आप देखिए किस मस्जिद वाले नबी की पैरवी में नमाज पढ़ रहे हैं, उसका बड़ा आसान तरीका, बड़ा आसान तरीका। वो आसान तरीका ये है, आप सही ज़ईफ के चक्कर से बचने के लिए आप घर में बुखारी और मुस्लिम ले आए, या चलो ज़्यादा पैसे नहीं हैं आप सिर्फ बुखारी शरीफ लें, किताब उस्सलात खरीद बुखारी की, तर्जुमा जिसका आपको पसंद हो ले उसको घर में पढ़े। अल्लाह के रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे, रफुल्लदैन करते थे या नहीं करते, आमीन ऊंची कहते थे या नहीं कहते, सारी बातें आपको मिले, सारी बातें मिले। हजरत वायल इब्ने हुजर सहाबा किराम में सबसे आखिरी सहाबी हैं जो बिल्कुल आखिर में ईमान लाए, आखिर में ईमान लाए। हजरत वायल बिन हुजर के बाद अगर कोई ईमान लाया है तो अहादीस में उसका तज़करा नहीं, ये सबसे आखिर में ईमान लाने वाला। और वायल बिन हुजर कहते हैं कि मेरी अल्लाह के नबी से दो मुलाकातें हुई है, सिर्फ दो मुलाकात, छः महीने के वक्फे से, छः महीने के वक्फे से, एक मुलाकात सर्दियों में, एक मुलाकात गर्मियों में। पहली दफा मुलाकात हुई गर्मियों में और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज शुरू करते वक्त, ये रसूलुल्लाह का आखिरी साल है। लोग ताना देते हैं ना मियाँ, इनके पास तो पहले दौर की हदीस है, आखिरी दौर की हदीस है तो हमारे पास। वायल इब्न हुजर कहते हैं ये अल्लाह के रसूल का आखिरी साल है, मैं ईमान लाया, मैंने देखा अल्लाह के रसूल जब नमाज शुरू करते हैं, जब रुकू को जाते हैं, जब रुकू से सर उठाते हैं, अपने हाथों को अपने कंधों या कानों के बराबर तक उठाते हैं, फिर फरमाते हैं छह महीने बाद मैं दोबारा आया और ये सर्दियों का मौसम, अल्लाह के रसूल ने अपने ऊपर शाल ओढ़ रखी थी, शाल ओढ़ी हुई थी, और आपने जो शाल ओढ़ी हुई थी तो मैंने खास तौर पर अल्लाह के रसूल को देखा, आप जब रफुल्लदैन करते थे अपनी शाल से हाथों को बाहर निकालते, शाल के अंदर भी रफुल्लदैन नहीं करते, और ये कोई रफुल्लदैन नहीं है जो थके हुए अहले हदीस करते ऐसे, ये कोई रफुल्लदैन नहीं, दाएं बाएं देखते हनफी खड़ा है उसके डर के मारे हाथ सही से उठाते ही नहीं ऐसे, ताकि वो भी ना देखे, वो भी ना देखे, बस ये लगे कि शायद कोई वहाबी पड़ गया ऐसे, ये कोई रफुल्लदैन, ऐसे रफुल्लदैन करें टिका के, दूसरे लफ्जों में ना करने वाले को चिड़ा के, ये रफुल्लदैन करें, और इत्मीनान के साथ, ताकि ये कहना भी लोगों का गलत हो जाए मियां ये तो ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं जैसे मक्खी उड़ाना हो, जैसे मच्छर उड़ाना हो, अब यूं करेंगे तो ये तो वाकई मक्खी उड़ाना है और ये रफुल्लदैन है ही, लेकिन ऐसे मक्खी कौन उड़ाता है, ऐसे कोई उड़ाता है मक्खी, इतनी देर में तो मच्छर अपना काम करके चला जाएगा अगर ऐसे आप उसे उड़ाएंगे तो, ये कोई तरीका नहीं, ये तरीका है। हजरत वायल बिन हुजर कहते हैं अल्लाह के रसूल
सर्दियों में मैंने देखा अपनी शाल से बाहर रफल देन करते और जब हाथ बांधते तो वापस अंदर ले जाते, फिर रुकू के लिए आप जाने लगते उस शाल से बाहर, आप हाथ निकालते रफुल अदैन करते। गोया अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बताया, मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का हो, ये मेरी ऐसी महबूब सुन्नत है, न मैंने सर्दियों में छोड़ी न मैंने गर्मी में छोड़ी। आपने अपना एक तरीका बताया। और दूसरी बात यह है, रफुल अदैन में इतनी बड़ी आजजी है, इतनी बड़ी इनकिसारी है कि जुबान से आप कहते हैं अल्लाहु अकबर और अपने हाथ खड़े कर देते हैं, गोया हैंड्स अप हो जाती है। जब दो फौजें आपस में लड़ती हैं, जीती हुई जो फौज होती है वो हारी हुई फौज से कहती है हैंड्स अप, फिर वो हथियार तोपें बंदूक पिस्टल गन रिवाल्वर जो भी हाथ में है वो जमीन पे फेंकती है, फौरन हाथ खड़े कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी कमज़ोरी और शिकस्त को तस्लीम कर लिया और आपकी फतह जुरत और बहादुरी और ताकत को तस्लीम कर लिया। अब उसका फ़र्ज़ बनता है वो इस पे गोली नहीं चलाएगा, बांध लेगा कैद करेगा, ये दुनिया का रूल है। अगर सामने वाला हैंड्स अप हो जाए तो वो उस पे गोली नहीं चला सकता। अब बंदा अपने घर में डीसी है, कमिश्नर है, एसएचओ है, कोई भी है, पहलवान है, मस्जिद में आता है कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं बड़े पहलवान था, मैं डीसी था, कमिश्नर था, वजीर आजम था, जो कुछ भी था, लेकिन तेरी दरबार में मैं ये तस्लीम करता हूं, तू बड़ा मैं छोटा, तू जीता मैं हारा, तू ताकतवर मैं कमजोर। जुबान से भी कहता है अल्लाह अकबर और हाथ से भी उस बड़ाई का इजहार करता है। और दूसरा मफहूम इसका यह है, अल्लाह मैं तेरी दरबार में खाली हाथ आया, देख ले मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली हाथ तेरे पास आया हूं, लेकिन अल्लाह इस उम्मीद पर आया हूं जब मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से जाने लगूं, खाली हाथ आया जरूर हूं लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहता, तू मुझे जब यहां से मस्जिद से भेजे तो मेरी झोलियां भरी हुई होनी चाहिए। इस तसव्वुर से आप नमाज पढ़ें, फिर देखें आपको नमाज में कैसी लज्जत आती। अब आमीन है, आमीन अज़वाज मुतहरात कहती है, हमारी सफ मस्जिद नबवी के अंदर पहले मर्दों की सफ़ें, फिर बच्चों की सफ़ें, सबसे आखिर में हमारी सफ़ें होती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर लाउड स्पीकर के अपने मुसल्ले पर जब आमीन कहते थे, हम रसूलुल्लाह की आमीन को आखिरी सफ में हम ख़वातीन सुना करते। हज़रत अता बिन अबी रबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हरम में दाखिल हुआ, बहुत बड़े जलील और कद्र ताबी हैं, मैं हरम में दाखिल हुआ, अदरकत मियतैन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त 200 सहाबा किराम हरम में मौजूद थे, 200 सहाबा हरम में मौजूद थे, उन्होंने नमाज पढ़ी और जब नमाज पढ़ी और 200 सहाबा ने वहां इमाम के पीछे आमीन कही, रफ़ऊ अस्वातहुम, उन सब ने अपनी आवाजों को बुलंद कर लिया और आमीन कहा। और बुखारी की रिवायत में है, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नमाज पढ़ाई, पीछे लोगों ने नमाज पढ़ी, इतनी ऊंची आमीन कही, व इन्ना लिल मस्जिद ललज्जतुन, पूरी की पूरी मस्जिद नबी गूंज उठी उनकी आमीन की आवाज। ये बात मैंने टीवी पे की, हनीफ कुरैशी कहने लगा ये तो बात वैसे ही अकल के खिलाफ है, कच्ची मस्जिद कैसे गूंजेगी, कच्ची मस्जिद कैसे गूंजेगी, वो कैसे गूंजेगी ये तो गुंजाने वालों से पूछो ना, आवाज में प्रेशर इतना हो कि कच्ची इमारत भी गूंज पड़े, छड़ियों की छत वाली मस्जिद भी गूंज पड़े। इसका मतलब है सहाबा इतनी ऊंची आमीन कहते थे कि वह इन्ना लिल मस्जिद ललज्जतुन,
यहां तेरे अटकल पच्चू तुक्के नहीं चलते। हदीस में जब सराहत है कि मस्जिद गूंजी है तो अल्लाह की कसम मस्जिद गूंजी, वो चाहे कच्ची हो चाहे पक्की। अब ये बात है कि दीन, अल्लाह अकबर, आज से 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका, उसमें एक ईंट भी लगाने की गुंजाइश नहीं, मुकम्मल हो चुका। इतना मुकम्मल है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने इमारत बनाई, हर चीज जहां लगनी थी उसने लगाई, एक जगह दीवार में एक ईंट की उसने जगह खाली रख दी। लोग आते हैं उसे देखते हैं, और जो भी देखने आता है वो देखकर कहता है बाकी तो ठीक है, यहाँ जो एक ईंट की जगह खाली है ना, ये अगर ईंट एक लग जाए तो बिल्कुल मुकम्मल हो जाए, बाकी सारी मुकम्मल है, ये ऐब है कि एक ईंट खाली। आपने ये मिसाल देकर फरमाया वो आखिरी ईंट मैं हूँ, वो आखिरी ईंट मैं हूँ, यानी मेरे आने से वो ईंट भी लग गई और इस्लाम की वो इमारत मुकम्मल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस्लाम की वो इमारत मुकम्मल हो गई। आपने फरमाया मेरी जो मस्जिद नबवी है, मेरी जो मस्जिद नबवी है ये आखिरी मस्जिद है, आखिरी मस्जिद है, इसके बाद कोई मस्जिद ना होगी। हालांकि बज़ाहिर हम देखें वो तो पहली मस्जिद थी, आखिरी मस्जिद नहीं थी, वो तो पहली मस्जिद थी। उसके बाद कितनी मस्जिदें बनी, मदीने में कितनी बनी, मक्के में बनी, जद्दे में बनी, कराची में बनी, लाहौर में बनी, और बढ़ती चली जा रही। तो आपने फरमाया मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद। मुहद्दिसीन इसकी वजाहत करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद किसी पैगंबर ने रखी है ये आखिरी मस्जिद, मेरे बाद ना कोई पैगंबर आएगा और ना मेरे बाद कोई ऐसी मस्जिद बनेगी जिसकी बुनियाद कोई पैगंबर रखे, इस एतबार से ये आखिरी मस्जिद। गोया आपने हर तरह से बता दिया मेरे आने से वो जो दीन की इमारत थी वो मुकम्मल हो गए, तकमील हो गया, उसकी गुंजाइश नहीं रहे। इसीलिए कुरान ने कहा आदम अलैहि सलातु वस्सलाम से, देखिए मैं आपको एक छोटी सी मैं आखिरी बात करूंगा इंशाल्लाह, कि आदम अलैहि सलातु वस्सलाम से जो अंबिया का सिलसिला अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लम तक चलाया, हर पैगंबर बुनियादी जो दावत देता रहा तौहीद की वो एक ही थी, शरीयत के दायरे सुकड़ते और खुलते रहे। जैसे ज्योमेट्री के तालिबे इल्म जानते हैं प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरे में सुई लगी होती है और एक सिरे में रिंग सा होता है, उसमें आप पेंसिल फंसा देते हैं। सुई वाला जो सिरा होता है उसे कागज के एक नुक्ते पर आप खबो देते हैं और गाड़ देते हैं, और जो पेंसिल वाला सिरा है उसको आप अगर छोटा करते हैं घुमाते हैं तो छोटा दायरा बनता है, थोड़ा सा और खोल लेते हैं तो उससे बड़ा दायरा बनता है, थोड़ा और खोल लेते हैं तो उससे बड़ा दायरा बनता है, उसको खोलते चले जाएंगे दायरा बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रकार अपने फुल साइज पर खुल चुकी होगी, अब वो उससे ज्यादा बड़ा दायरा और नहीं बना सकेगी, वो आखिरी दायरा। आदम अलैहिस्सलाम से वो जो मरकजी नुक्ता तौहीद का रहा वो तो एक रहा, हर पैगंबर के दौर में अल्लाह उस प्रकार को खोलता रहा खोलता रहा खोलता रहा, दायरे बड़े होते गए होते गए होते गए, हत्ता के
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आ गई। अल्लाह ने उस प्रकार को फुल साइज पर खोल दिया, क्योंकि क्यामत तक आने वाली दुनिया की रहनुमाई करने के लिए यही आखिरी पैगंबर है। आपके बाद कोई और पैगंबर नहीं आएगा। फुल साइज पर प्रकार को खोला और बड़ा दायरा खींच दिया, और बड़ा दायरा खींचने के बाद उस किताब को बंद किया और उसके टाइटल पर लिख दिया, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي। आज के दिन मैंने अपना दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया और अपनी तमाम तर नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी। ورضيت لكم الاسلام دينا, और मैंने बतौर दीन के तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। उस टाइटल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत तक के लिए रख दिया कि आज के दिन इस दीन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ जोड़ने की, कुछ बढ़ाने की, कुछ घटाने की नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों हज तमत्तो किया करो, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, आपने फरमाया जो बातें मुझे हज करने के बाद मालूम हुई हैं अगर पहले मालूम होती तो मैं तमत्तो करता। हजरत उमर लोगों से कहते हैं हज तमत्तो ना करो। लोगों ने जा करके कहा, अय अब्दुल्ला तू कहता है हज तमत्तो करो, तेरा बाप इससे मना करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन शरीयतन नज़लत अला मुहम्मदिन वमा नज़लत अला अबी। शरीयत मुहम्मद अरबी पर नाजिल हुई है, मेरे बाप पर नाजिल नहीं हुई। सैयदना फारूक आजम तवाफ करने से पहले हजरे अस्वद के पास जाते हैं। आप ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठाइए कि सहाबा किराम दीन किसको समझा करते थे, दलील किसको समझा करते थे, जायज और नाजायज के फैसले किस बात से किया करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ करने लगते हैं, हजरे अस्वद के पास जाते हैं। शरीयत का हुक्म ये है, अगर अल्लाह मौका दे तो उसका बोसा लो, मौका ना मिले तो हाथ लगा के हाथ चूम लो, ये भी मौका ना मिले तो दूर से सलाम कर लो। हजरत उमर हजरे अस्वद के पास जाते हैं, बोसा देने के लिए झुकने लगते हैं, कुछ बात दिल में सोचते हैं, फौरन सीधे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ हजरे अस्वद, मेरी नजर में तू एक पत्थर है, ना तो तू नुकसान दे सकता है ना तू फायदा दे सकता है। अल्लाह की कसम, अगर मैंने अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता कि वो तुझे बोसा देते हैं, मैं तुझे कभी बोसा ना देता। मेरा बोसा देना इसलिए है कि मेरा पैगंबर तुझे बोसा देता था। मेरी नजर में पैगंबर के बोसे की कीमत है, तेरी कोई कीमत नहीं। बस इतनी सी बात अगर किसी की समझ में आ जाए, ये सारा इतना सा बस ये मसला अहले हदीस है। आसान है इसको समझना, अगर आप में से यकीन मानिए एक बंदे की भी बात समझ में आ गई ना, मेरा लाहौर में आने का मकसद पूरा हो गया इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूं एक को नहीं कईयों को समझ आएगी, इसलिए कि मैंने मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं की, बिल्कुल आसान आपकी सतह पर उतर कर मैंने बात की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो फौत हो गए अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए।